रेडी? ओके गाइस, अगर आप लोगों को याद हो कि हमने ये विंड चाइम्स बनाए थे जिसका एक पर गिर गया है, अब वो हम विंड चाइम्स अपने ट्रीज पे लगाएंगे। आप लोगों के पास भी अगर दरख्त हो, करीब आओ, नेबरहुड में कोई दरख्त हो या आपके अपने गार्डन में कोई दरख्त हो, उधर ये आप विंड चाइम्स लगाएं और ये बहुत क्यूट लगेंगे और ये बहुत प्यारे लगते हैं। हमने एक लटका लिया है, दूसरा जो मेरे बेटे ने फेंका था अब मैं वो भी लगा रही हूँ। करीब आओ, याद दिखाओ विंड चाइम्स। थोड़ा हैवी हो रहा है इसलिए हम इसको निकाल देंगे, बट ओके इधर फोकस रखो। वेट वेट रोहान, हम यहाँ पे भी लगाएंगे, ये भी हमने एक बनाया था, इसको हम क्रिएटिविटी की कोई लिमिट नहीं है। आप जहाँ चाहें कोई चीज़ आपको अच्छी लग रही हो अपनी विंडोज़ पे लगा सकते हैं, बट विंड चाइम्स का पर्पस यही है कि आप वहाँ लगाएं जहाँ पे हवा आती हो, ताकि जब ये हिले तो इनमें लाइट रिफ्लेक्ट हो और ये खूबसूरत लगे। दैट इज़ वन, दिस इज़ वन, एंड वी गोना पुट वन हियर। Ta-da! Look at that, guys. It looks so pretty. Right? Ready? Yes. Okay, guys. जो हमने newspapers paint किए थे वो ये हैं, और अब हम उनको लंबी lines में इस तरह like पूरे newspaper का आधा करके आप यूँ लंबी लंबी lines में इनको काटें और इनको जमा करके अभी अपने पास रखें, फिर मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। Ready? ओके गाइस, इस तरह की हमारे पास पूरी स्ट्रिप्स थी जो हमने काटी, जो इतनी लंबी थी उसको मैंने फर्दर और आधी काटी है। सो अबाउट 6 inches, देयर अबाउट 6 inches। इनको आपने क्या करना है, ज़रा करीब आए, इनको आपने लेके टर्न करके स्टेपल करना है और उसके अंदर से एक और पेपर गुजार के उसको और स्टेपल करना है। सो ये चेन के तरीके से बनता जाएगा, राइट? एंड जस्ट मेक श्योर कि जो कलर्ड पार्ट है वो ऊपर हो, जो वाइट पार्ट है वो अंदर हो। सो इसी तरह करते हुए वो इस तरह की चेन्स बन जाएंगी ना। इस तरह की चेन्स जब बनेंगी तो आप उनको डेकोरेट भी कर सकते हैं, दरख्त में भी लगा सकते हैं, अपने बच्चों के कमरों में भी लगा सकते हैं। आई थिंक इससे हमें बहुत मज़ा आया बिकॉज हमारा बहुत सारा टाइम स्पेंड हो गया है, बच्चे तो भाग गए इवेंचुअली, मामा ही काट के लगा रही हैं, बट एटलीस्ट यू नो दे हैड अ फन टाइम पेंटिंग द न्यूज़पेपर्स, उनको काटने में मज़ा आया। ऑफकोर्स थोड़ा टेक्निकल है ये स्टेपलर इस्तेमाल करना, इसलिए आई डोंट ब्लेम देम कि वो भाग गए, बट आई स्टिल हैव क्वाइट अ फ्यू लेफ्ट। दिखाएं यहाँ पे, ये अभी भी मेरे पास काफ़ी सारी स्ट्रिप बची हुई हैं, इनको मैं कंप्लीट करके लगाऊंगी और फिर आपको पिक्चर भेजूंगी। आई होप यू लाइक टुडेज एक्टिविटी। कल भी हम टूथब्रश पेंटिंग करेंगे, तो आप लोगों के पास जितने भी पुराने टूथब्रशेस हों उन सबको निकाल के, पोस्टर पेंट्स को और पेपर्स को निकाल के रखिएगा, हम टूथब्रश पेंट करेंगे।